कोयल सी तेरी बोली, मकान किनारे, मकान किनारे पर है रोड के, मकान किनारे पर है रोड के या खेत किनारे पर है रोड के, तो उसकी वैल्यू होती है। क्या होती है? वैल्यू होती है, यानी मूल्यवान चीज होती है। अगर आदमी किनारे पर होता है ना दोस्तों, कोई भी साथ हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब बड़े होंगे और एकदम अपनी पढ़ाई को एकदम शानदार तरीके से गति प्रदान कर रहे होंगे। अपने मम्मी पापा के सपनों के लिए, उनकी आंखों में वो खुशी वाला आंसू देखने के लिए आप एकदम दिन रात एक कर रहे होंगे। दोस्तों, हमने पढ़ लिया है समानार्थी शब्द जो नोदे BSTC PTT CET राजस्थान पुलिस की जैसे राजस्थान में होने वाले हर एग्जाम के लिए मील का पत्थर साबित होने वाला टॉपिक पढ़ लिया है। उसी के साथ एक नया टॉपिक शुरू किया है मैंने, अब जो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पर्यायवाची। आप सभी पर्यायवाची से सब समझदार हैं। पर्यायवाची यानी इसी के समान कोई दूसरा शब्द, जैसे समा, जैसे कमल है, कमल को क्या कहते हैं, हाँ, और बिजली है, बिजली को सोना मिनी, चपला जो भी कहते हैं आप जानते हैं। इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों। पहला बिना टाइम वेस्ट किए अग्नि, अग्नि को कहते हैं आग, अनल पावक। अग्नि को कहते हैं दोस्तों आग, अनल और पावक। क्या कहते हैं? बोलो एक साथ मेरे साथ बोलना है दोस्तों, ऐसा लगना चाहिए कि सब क्लास में पढ़ा रहे, ठीक है? बोलो आग, अनल, पावक, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। असुर, असुर को कहते हैं दोस्तों दानव, राक्षस, निशाचर, दैत्य। दानव, राक्षस, निशाचर, दैत्य। बोलो दोस्तों असुर को क्या कहते हैं? दानव, राक्षस, निशाचर, दैत्य। बोलो दानव, राक्षस, निशाचर, दैत्य, ठीक है? आगे बढ़े। अमृत, हमने अमृत का हमने पढ़ा था ऑपोजिट क्या होता है, विष, जहर या फिर गरल। आज पढ़ा ना गरल, विष, जहर, गरल, ठीक है? अपोजिट दो। अब इसके समानार्थी क्या क्या होते हैं? अमृत को कहते हैं दोस्तों सुधा, पीयूष, अमीय, सोम। ऐसे बोलो सोम, सुधा, पीयूष, अमीय। बोलो सोम, सुधा, पीयूष, अमीय। अब एक साथ मेरे साथ बोलो सोम, सुधा, अमीय, पीयूष या पीयूष, अमीय, ठीक है दोस्तों? आगे बढ़े। आम्र, आम्बे का नाम सुनते ही तो दोस्तों आपके चेहरे में खुशी नजर आती है। आम, रसाल, मधुदूत, मधु यानी होता है रस, शहद। आम रसाल यानी रस से भरा हुआ, ठीक है? आगे बढ़े। आंख, अरे दोस्तों आंख का नाम आते ही दोस्तों गाना याद आता है कि नहीं आता? अरे आता है ना, वो गाना नहीं आता क्या? चलो रहने देता है, ज्यादा ही नहीं हो जाए। आंख, आंख को कहते हैं दोस्तों नेत्र, नयन, लोचन, दृंग, अक्ष। क्या कहते हैं दोस्तों? नेत्र, नयन, लोचन, दृंग, अक्ष। मेरे एक साथ मेरे साथ बोल रहा दोस्तों, बोलो नेत्र, नयन, दृंग, अक्षी और लोचन। बहुत आसान तरीके से याद कर सकते हैं दोस्तों। आगे बढ़े हैं। आगे है ईश्वर, जिसे हम कहते हैं भगवान, अल्लाह, जो भी अपने अलग अलग धर्मों में कहते हैं ईश्वर। ईश्वर को कहते हैं भगवान, ईश, प्रभु। अरे वो नहीं आता क्या डायलॉग, है प्रभु, है जगन्नाथ, ये क्या देख लिया, हाँ है प्रभु। अरे इंस्टाग्राम ही आता क्या, है प्रभु, जगन्नाथ, अरे नाता, ये क्या देख लिया, और ये मैया, ये क्या देख लिया, हाँ। कमल, कमल का पंकज, नीरज, सरोज, जलज। ये तो हमने याद भी किया है, कमल का जलज, वो उल्टा पुल्टा याद किया था ना, जलज और जलद, जलज यानी जल में उत्पन्न होने वाला और जलद यानी बादल, याद है? अपोजिट तो उल्टा तो। अब इसका समानार्थी देखो, पंकज, नीरज, सरोज, जलज। बोलो पंकज, नीरज, सरोज, जलज, हाँ जलज। आगे बढ़े। किनारा, दोस्तों ये किनारे शब्द में बहुत ही गहरा अर्थ छिपा हुआ है रे, कौन सा सर? हाँ मैं बताऊं, अगर
आपको प्रैक्टिकल लेना है। ये रास्ता है, मेन रास्ता है, इसके बीच में दो धारें नहीं थी व्हाइट व्हाइट कलर की, वो वाली है, ठीक है। अगर मकान किनारे पर है किसी का, या किसी की जमीन किनारे पर है, ये जमीन है, ये मकान है, ठीक दोस्तों, इनके दरवाजे। बहुत ही बड़ा सीख देने वाला हूँ दोस्तों, मैंने अपने लाइफ में नोटिस किए, आपको अभी से नोटिस करना। अगर आदमी, एक आदमी का फोटो भी बना देता हूँ आपके लिए, समझ रहे हैं ना, ये हाथ पैर है, ये चौथा पास आ गए, तीसरा, ठीक है। अगर मकान किराए, मकान किनारे पर है रोड के, मकान किनारे पर है रोड के, या खेत किनारे पर है रोड के, तो उसकी वैल्यू होती है, क्या होती है, वैल्यू होती है, यानी मूल्यवान चीज होती है। अगर आदमी किनारे पर होता है ना दोस्तों, कोई भी साथ, समझ गए ना, तो अपनी लाइफ में ऊंचा मुकाम हासिल करने के लिए अभी से हार्ड वर्क करने लग जाए। आज मकान की वैल्यू हो सकती है सड़क के किनारे रहने पर, खेत की वैल्यू बढ़ जाती है, 5 लाख की जगह 10 लाख देने वाले मिल जाते हैं, लेकिन आदमी अगर किनारे पर आ जाता है ना दोस्तों, कोई भी साथ नहीं देता, वो चाहे रिश्तेदार है, घर वाले हैं, या कोई भी हो, ठीक है। आगे बढ़े, याद रखना है दोस्तों इस चीज को, किनारा, किनारे को कहते हैं तट, तीर, पुली, छो, तट, तीर, पुली, छो, बोलो एक साथ में, तट, तीर, पुली, छो, ठीक है। आगे बढ़े, कोयल, कोयल को कहते हैं पिक, कोयल श्यामा, पिक, कोयल श्यामा। अरे कोयल के ऊपर गाना नहीं सुना है क्या, कौन सा सर, वही लड़के है ना, लड़कियों को इम्प्रेशन झाड़ने के चक्कर में कुछ ज्यादा ही तारीफ कर देते हैं उनकी, कौन सी सर, वही गाना नहीं आता क्या, किसी आवाज की तारीफ करना, कोयल सी तेरी बोली, कुकु कुकु कुकु, होता है नहीं होता है, बोली है, किसी की तारीफ नहीं करनी, फालतू की है, कोई कोयल सी जैसी आवाज नहीं आती किसी लड़की की है, मैं भी तारीफ नहीं करता हूँ मेरी वाइफ की, भाई साहब तुम इंप्रेशन झाड़ने के चक्कर में कोयल सी तेरी बोली है। घर, घर को कहते हैं दोस्तों आवास, निकेतन, सदन, भवन, आले। दोस्तों इससे भी आपको एक सीख देता हूँ, अगर आपका घर ऐसा झोपड़ी टाइप का है, या फिर आपका घर पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, अगर आपका घर छोटा है ना दोस्तों, कोई बात नहीं, लेकिन घर में सुख शांति चाहिए। अगर आपका दोस्तों घर बड़ा है, 3 मंजिल या 10 मंजिल है ना, लेकिन उसके अंदर सुख नहीं है, चैन से बैठकर खाना खाने का टाइम नहीं है ना दोस्तों, वो पैसा कमाना, वो सब कुछ व्यर्थ है, ठीक है दोस्तों। तो घर के लिए आए थे जी आवास, निकेतन, सदन, भवन, आलय। अब इसके साथ एक क्वेश्चन जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, उसका आंसर कौन कमेंट बॉक्स में देकर जाता है, या सबसे पहले कमेंट किसका आता है आंसर का देखते हैं। आस्तिक का विलोम शब्द, टीना मंजरा नाम सुना है क्या, आस्तिक का विलोम शब्द क्या होगा बता देना दोस्तों कमेंट बॉक्स में, ठीक है। इसी के साथ इस वीडियो का अंत करता हूँ, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।